हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि आपको अपने चैनल पर कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे चेक करना है। पहले कॉपीराइट क्लेम एंड स्ट्राइक चेक करने का जो मेथड था वो थोड़ा सा डिफरेंट था। अभी यूट्यूब में अपडेट्स हुए हैं इसलिए चेक करने का मेथड चेंज हो गया है। तो मैं आपको न्यू मेथड के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि आपको कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे चेक करना है। तो अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हो तो आपको ये सारी चीज़ें चेक करनी आनी चाहिए। सो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखें। और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन भी प्रेस करें जिससे आपको न्यू वीडियोस की अपडेट मिलती रहेगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर अपना YouTube स्टूडियो ओपन कर रखा है। आपको गूगल क्रोम ओपन करना है, उसके बाद आपको अपना चैनल ओपन करना है एंड आपको डेस्कटॉप साइट इनेबल कर लेना है। फिर आपको यूट्यूब स्टूडियो ओपन कर लेना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक चेक करने के कई सारे मेथड्स हैं, तो मैं आपको पहला मेथड शेयर कर देती हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको इस सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है तो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन मिलता है चैनल का, आपको इस चैनल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके सामने तीन ऑप्शंस ओपन होकर आ जाते हैं, बेसिक इन्फो, एडवांस सेटिंग्स एंड फीचर एलिजिबिलिटी। तो आपको यहाँ पर फीचर एलिजिबिलिटी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिफ़ॉल्ट फीचर्स का ऑप्शन मिल जाता है। इसके सामने यहाँ पर इनेबल्ड लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर इनेबल्ड वाले ऑप्शन के पास में जो एरो है उस पर क्लिक करना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मेंशन कर रखा है चैनल इज़ फ्री ऑफ एक्टिव कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स, मतलब हमारे चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स नहीं है। तो अगर हमारे चैनल पर कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आएगा तो यहाँ पर ऑलरेडी यूट्यूब मेंशन कर देगा। तो अभी कोई भी स्ट्राइक्स नहीं है। अब हम देख लेते हैं दूसरा मेथड हमारा कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक चेक करने का। सो फ्रेंड्स, अगर आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपके सामने जो ये चैनल डैशबोर्ड मेंशन कर रखा है, यहाँ पर आपके सामने एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आएगा तो यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आ जाता है। तो अभी मेरे चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आया है इसलिए यहाँ पर कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। तो आप यहाँ पर नोटिफिकेशन देख कर भी पता कर सकते हैं कि आपके चैनल पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आया है या नहीं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं कि आपको अपनी वीडियोस पर कॉपीराइट क्लेम आया है या नहीं, ये कैसे चेक करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ये जो सेकंड वाला ऑप्शन मिल जाता है, ये हमारा कंटेंट का ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके सामने आपकी सारी वीडियोस कुछ इस तरीके से ओपन होकर आ जाती हैं। अब आपको यहाँ पर ये फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ ऑप्शंस ओपन होकर आ जाते हैं। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन मिल जाता है कॉपीराइट क्लेम्स का, आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का पेज हमारे सामने यहाँ पर ओपन होकर आ जाएगा। तो अभी हमारी वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आ रखा है इसलिए यहाँ पर कोई भी वीडियो शो नहीं हो रही है। अगर आपकी किसी भी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम होगा तो वीडियो यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आप इस तरीके से अपनी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम्स चेक कर सकते हैं। तो अभी मेरी किसी भी वीडियो पर यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम नहीं है इसलिए हम इसे यहाँ पर बैक कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके अलावा भी आप यहाँ पर कॉपीराइट क्लेम चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ये सी वाला आइकन मिल जाएगा, आपको इस सी वाले आइकन पर क्लिक करना है। ये हमारा कॉपीराइट का आइकन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन होकर आ जाएगा। फिलहाल यहाँ पर लिखा हुआ है नथिंग टू शी यट। उसके बाद आपको यहाँ पर एक मैसेज देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है लुकिंग फॉर अ कॉपीराइट क्लेम, समबडी मेड ऑन योर वीडियो, चेक द वीडियो लिस्ट। तो आप यहाँ से अपनी वीडियो लिस्ट चेक कर सकते हैं कि आपकी किसी भी वीडियो पर कोई कॉपीराइट क्लेम आया है या नहीं। तो अभी हमारी किसी भी वीडियो पर कोई भी कॉपीराइट क्लेम नहीं आया है। और फ्रेंड्स, कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक क्या होता है एंड कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक क्या होता है, इस टॉपिक पर भी मैं आपके लिए जल्दी वीडियो लेकर आऊँगी। और इन सब में डिफरेंस क्या होता है और आप इन सब से कैसे बच सकते हैं, तो इस टॉपिक पर मैं आपके लिए बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, आई होप अब आप समझ गए होंगे कि आपको कॉपीराइट क्लेम एंड कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे चेक करना है। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल बटन भी प्रेस करें जिससे आपको न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।